दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आईपीएल के फैन है तो इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। कल के मुकाबले की पूरी समरी, कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड्स बने, एमआई और केकेआर हुए प्लेऑफ से बाहर, ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल का तूफान, धोनी का बड़ा रिकॉर्ड जो कभी टूट नहीं सकता, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस तेज और भी ढेर सारी अपडेट्स आपको आईपीएल से जुड़े हुए बताने वाले हैं। आईपीएल शुरू हो चुका है और अपने इस वीडियो के जरिए आपको हम आईपीएल की दुनिया की हर एक जानकारी बताते हैं और हर एक हलचल को कवर करते हैं। आपको उसके करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 289वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों कल आईपीएल के दो मुकाबले खेले गए, जिसमें कि पहला मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई और इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने अक्षर पटेल। और दूसरा मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जो बेहद ही रोमांचक मुकाबला था जिसमें चेन्नई जैसी टीम को राजस्थान ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया। हालांकि सबसे ज्यादा इंप्रेस किया ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने। एक तरफ जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने काफी तेज अर्धशतक लगाया और राजस्थान के खिलाड़ियों का भी बेहद शानदार प्रदर्शन था और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने ऋतुराज गायकवाड़। और इस मैच के रिकॉर्ड्स वगैरह आपको आगे बताएंगे। वैसे दोस्तों आईपीएल के मुकाबलों से आप करोड़ों जीत सकते हैं एमपीएल ऐप के जरिए। बाकी के ऐप्स आपको करोड़ों जिताने का दावा करते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे रियल ऐप जो आपको लाखों तक जिता सकता है इस आईपीएल में वह है एमपीएल ऐप। इसमें सबसे कम मार्जिन है और सबसे तेज मनी ट्रांसफर है, कोई फ्रॉड नहीं है, रियल पैसा है, रियल लोग हैं और रियल विनर्स हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और खुद देख लें कि हम सच बोल रहे हैं कि गलत। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों कल राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कई सारे रिकॉर्ड्स बने, जिसमें सबसे पहले तो आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ 7वें ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने चेन्नई की तरफ से शतक लगाया हो। इसके साथ ही सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जो चेन्नई की तरफ से शतक लगाए हैं। कल ऋतुराज गायकवाड़ ने 500 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। कल शिवम दुबे ने अपना पहला अर्धशतक लगाया आईपीएल का। कल ऋतुराज गायकवाड़ ने 108 मीटर का छक्का लगाया जो आईपीएल 2021 का सबसे लंबा छक्का है। यशस्वी जायसवाल ने कल काफी तेज अर्धशतक लगाया 19 गेंद में, जो कि किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी के द्वारा सबसे तेज दूसरा अर्धशतक है। इसके पहले ईशान किशन ने 17 बॉल पर अर्धशतक लगाया था 2018 में। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने की सूची में दूसरे नंबर पर है संजू सैमसन के साथ। इसके पहले जॉस बटलर और अवेश शाह ने 18 बॉल पर अर्धशतक लगाया था। कल राजस्थान रॉयल्स ने पावर प्ले में 81 रन बनाए थे और राजस्थान का यह सबसे ज्यादा पावर प्ले का स्कोर रहा। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों कल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी कई सारे रिकॉर्ड्स बने, जिसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि शिखर धवन कल रनआउट हो गए और आईपीएल में सबसे ज्यादा 16 बार रनआउट होने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसके पहले 15 बार गौतम गंभीर रनआउट हुए थे। रोहित शर्मा आईपीएल के पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो 60 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं। कल शिखर धवन ने अपना 800 रन पूरा किया आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ। जसप्रीत बुमराह आईपीएल के दूसरे पार्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, उन्होंने 11 विकेट लिए हैं। और हर्षल पटेल और हर्षदीप सिंह ने 9-9 विकेट लिए हैं आईपीएल 2021 के दूसरे पार्ट में। और भी ढेर सारे रिकॉर्ड्स बने हैं जो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों कल यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया महेंद्र सिंह धोनी को और काफी शानदार पारी खेली, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल से महेंद्र सिंह धोनी मिले और उनसे बात की। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बल्ले से उन्होंने अर्धशतक लगाया उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपना साइन किया, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल काफी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि उनके जो क्रिकेट के आइडियल हैं उनसे इस तरह का तोहफा बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों कल ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया, वह उनके आईपीएल का पहला शतक था। शुरुआत में तो ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे आराम से, लेकिन अंतिम के ओवरों में उन्होंने अपना गियर बदला और काफी तेजी से अपना शतक पूरा किया, जिसने भी देखा तारीफ के पुल बांध दिए, चाहे वह महेंद्र सिंह धोनी हो या तो फिर स्टीफन फ्लेमिंग हो। और ऐसे में सोशल मीडिया पर माना जा रहा है कि अगले जनरेशन के सुपरस्टार बनने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़। इसके साथ ही ऑरेंज कैप के हकदार बन चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। इसके साथ ही कल रविंद्र जडेजा भी एक ऐसा शॉट खेले थे जो पहले सिर्फ एवी डी विलियर्स ही खेल पाते थे, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं और वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख पाएंगे। और सिर्फ एक बार नहीं, उन्होंने बैक टू बैक दो बार ऐसा शॉट खेला। तो ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों कल मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जिसमें चौथे नंबर की टीम के लिए रेस तेज हो गई है। कोलकाता यदि अपने दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर वह क्वालिफाई कर जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स को भी अपने दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे और उम्मीद करना पड़ेगा कि कोलकाता एक मुकाबला हार जाए। मुंबई इंडियंस को अपने दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे और उम्मीद करना पड़ेगा कि पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स अच्छा प्रदर्शन ना करें। इसके साथ ही पंजाब किंग्स यदि अपने दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर वह प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उन्हें दुआ करना पड़ेगा कि कोलकाता, मुंबई और राजस्थान कम से कम एक मैच तो हारे। और पॉइंट टेबल की पूरी जानकारी के लिए हमने एक अलग वीडियो डाला है, उसे भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों कोई भी टीम प्लेऑफ में पहुंचे, आईपीएल तो रोमांचक रहेगा ही,
लेकिन आप और इसे रोमांचक बना सकते हैं इन मुकाबलों से पैसा जीतकर, जो आप कर सकते हैं MPL ऐप के जरिए। MPL पर फैंटेसी टीम बनाकर करोड़ों जीत सकते हैं आप। मैंने भी कल MPL पर अपनी टीम बनाई थी और मैं अच्छे पैसे भी जीता था, और आज आप मेरी यहां पर टीम देख सकते हैं। आप भी मेरे जैसे टीम बनाओ और लाखों करोड़ों जीतें MPL पर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अभी डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों आज आपको IPL के दो मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच, जो कि IPL का 48वां मुकाबला रहने वाला है। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। और दूसरा मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जो 49वां मुकाबला होगा। और आज का मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेंगे इसका पिक्चर क्लियर होगा। इसके साथ ही पंजाब किंग्स की तरफ से आपको हरप्रीत बरार का तूफान देखने को मिलेगा, क्योंकि शारजाह का मैदान काफी स्लो है और स्पिन गेंदबाजों को मदद करता है। वहीं हो सकता है मोइसेस हेंड्रिक्स को भी मौका मिले फैबियन एलन की जगह। निकोलस पुरन को टीम से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही दीपक हुडा ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उनकी जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद तो बाहर हो ही चुके हैं प्लेऑफ से, तो उनकी तरफ से आपको कुछ नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिलते हुए दिख सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अभी तक आंद्रे रसल का कोई अपडेट नहीं आया है, और हो सकता है आज आपको साकिब अल हसन खेलते हुए दिखेंगे। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में आपको वैसे कोई बदलाव देखने को नहीं मिल सकते हैं, बल्कि वह अपने पुराने प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों कल के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक बुरी खबर आ रही है, जहां पर फैब डुप्लेसिस की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और कल भी मुस्तफिजुर रहमान से बहुत ही खतरनाक तरीके से टकरा गए फैब डुप्लेसिस और बहुत देर तक अपनी गर्दन को पकड़े हुए बैठे रहे। तो हो सकता है फैब डुप्लेसिस को आने वाले मुकाबलों में आराम दिया जाएगा, और बस दुआ यह करना है कि उनका यह प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, क्योंकि पहले से ही वह अपनी गर्दन से परेशान है और पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनके गर्दन पर चोट लग गया था। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे महेंद्र सिंह धोनी ने कल एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो हमें नहीं लगता है आने वाले वक्त में कोई तोड़ पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने कल अपना IPL का 200वां मुकाबला का कप्तानी किया है, और किसी एक फ्रेंचाइजी को इतने दिन तक लीड करना कोई मामूली बात नहीं है। साल 2008 से जब से IPL शुरू हुआ है, तब से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। उस समय के कई खिलाड़ी रिटायर भी हो चुके हैं और बहुतों का तो अता पता भी नहीं है। दूसरे नंबर पर है विराट कोहली, पर उन्होंने 136 मैच में कप्तानी की है और वह छोड़ने वाले हैं कप्तानी। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, धोनी का यह रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा कि नहीं। वैसे आप भी अपना IPL को देखने का आयाम बदल सकते हैं। MPL पर फैंटेसी टीम बनाकर iPhone जीत सकते हैं और मस्त iPhone पर IPL देख सकते हैं। MPL पर लूट मची है और यह एक बार का ऑफर नहीं है, रोज एक iPhone दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों हमने आपको बताया था कि साल 2022 में स्टार स्पोर्ट्स का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वह IPL का खत्म हो जाएगा, और आने वाले 25 अक्टूबर को IPL की मीडिया राइट्स पर नीलामी होगी। इसमें स्टार स्पोर्ट्स तो बोली लगाएंगे ही, और साथ में खबर आ रही है कि IPL की नीलामी के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और GTV प्रोडक्शन मर्जर करने वाले हैं, और दोनों मिलकर स्टार स्पोर्ट्स को टक्कर देंगे नीलामी में। और बहुत ज्यादा चांस है कि सोनी और जी का जो मर्जर है वह मीडिया राइट्स जीत सकते हैं। तो इस पर जो भी अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। वैसे दोस्तों इस तरह के और भी कई सारे अपडेट्स आते हैं जो आपको हम वीडियो के जरिए नहीं बता पाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम हर दिन लाते हैं। और अभी तक अगर आपने MPL का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और IPL में iPhone जीतने का मौका मिस ना करें। तो हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।